मैं लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, शुक्र का राशि परिवर्तन। 11 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे के आसपास वृश्चिक राशि में हो रहा है। अभी तक वो अपनी तुला राशि में अति शुभ स्थिति में थे, अब वृश्चिक राशि में जा रहे हैं जो कि थ्रस्ट की राशि है, जो कि एक ऐसा गड्ढा है जिसे जितना खोदोगे उतना मिलेगा। वो एक ऐसी राशि है जो कि अगर एक्टिवेटेड हो या वो घर एक्टिवेटेड हो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो लोग मंत्र, साधना, ज्योतिष, योग, आयुर्वेद में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। वो एक ऐसा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पिटारा है कि अगर उसे खोल के टटोलना शुरू किया, तलाशना शुरू किया, तो बहुत हीरे जवाहरात मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो राशि परिवर्तन है ये एवरेज है, घर के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो दूसरे और सातवें के स्वामी 8वें में रहेंगे, बहुत शुभ नहीं है। लेकिन जो लोग ज्योतिष, मंत्र, साधना, योग, आयुर्वेद आचार इन सब फील्ड में हैं, उन्हें बड़े लाभ मिलते हैं ऐसे गोचर में। तो अगर आप भी उनमें से रिलेटेड हैं या फिर रिसर्च फील्ड से हैं तो बड़े लाभ मिलेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेष से मीन तक का हाल जानते हैं। आप बस शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, उससे डायरेक्ट जुड़ना है तो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक पर फेसबुक पे टाइप करिएगा। तो भैया आगे चलते हैं मेष राशि पर। तो मेष राशि सबसे पहले आपके 8वें घर में ये गोचर हो रहा है, तो खास तौर से इन लॉस से अनबन हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है और उसी के साथ साथ करियर व्यवसाय में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। धन के मामलों से हालांकि ये गोचर ठीक रहता है, धन आसानी से आता रहेगा इस गोचर वश और धन की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में दिक्कतें रहेंगी जैसा मैंने आपको बताया, प्रेम संबंध भी टूट सकते हैं। अब बात करें आपके स्वास्थ्य के मामलों की, तो निश्चित तौर पर लोअर बॉडी पार्ट मूत्र जनित रोग होने की संभावनाएं बनती दिख रही है। इनके लिए उपाय करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। करियर व्यवसाय में जबरदस्त तरक्की मिलेगी, लाभ मिलेगा, आने वाला समय बेहतर होगा, धन अर्जन के संकेत मिल रहे हैं, धन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, व्यवसाय बिजनेस से भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी के साथ साथ खास तौर से पति पत्नी के संबंध भी बेहतर नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ये गोचर आपको एक अच्छी डील दिलाएगा, धन के मामलों में और बेहतर इस्टेब्लिश करेगा। उपाय की बात करें तो 8 साल से छोटी कन्या को खीर खिला दीजिएगा शुक्रवार के दिन। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों, आपके 6ठे घर भाव में ये गोचर है जो कि बहुत अच्छा नहीं है। शत्रु पैदा होंगे, पड़ोसियों से अनबन होगी, फीमेल से अनबन होगी, कोई अफेयर है तो दिक्कत होगी, शादी में प्रॉब्लम आएगी, प्रेम संबंधों में दिक्कत आएगी। उसी के साथ साथ नौकरी में भी मन पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, दिक्कत परेशानी बनी रहेगी। धन के मामलों में धन का नुकसान होगा, ज़्यादा खर्च होगा, आसानी से अगर कहीं धन आ रहा था वो भी रुक रुक के आएगा, कर्जे फंस सकते, तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अब इन सब के लिए उपाय है, शुक्रवार के दिन घी के 5 दीपक माँ लक्ष्मी के आगे जलाइएगा और ओम महालक्ष्मीपतये नमः इस मंत्र का पाठ करिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों के 5वें घर में रहेगा, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये गोचर अच्छा रहेगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है, पैसे के गेंस हो सकते हैं, शेयर मार्केट से लाभ हो सकते हैं, संतान लाइफ में अच्छा करेगी। जो लोग रिसर्च फील्ड में है, साइंटिस्ट फील्ड में है, उन्हें भारी लाभ होंगे, जो लोग शिक्षा वर्ग में है, शैक्षिक में है, उन्हें भारी लाभ की संभावनाएं दिखती है। लव अफेयर्स फलीभूत होंगे, कहीं ना कहीं संबंध फीमेल्स का भी सपोर्ट भी खूब मिलेगा, संबंध बेहतर होंगे। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं, करियर बहुत बेहतर रहेगा, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। उपाय के लिए आपको गीता का पाठ करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, कोई पावरफुल पोजीशन मिल सकती है, आने वाला समय बेहतर रहेगा, घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, घर में शांति होगी और माता पिता का खूब सहयोग मिलता नजर आ रहा है। नौकरी में अच्छा करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए भी गोचर अच्छा रहेगा, पावरफुल गोचर रहेगा, पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, संवाद बेहतर होगा, उसी के साथ साथ संतान बेहतर करेगी। भाग्योदय का समय है, भाग्य साथ मिलेगा, यात्राओं में लाभ मिलेगा। उपाय के लिए
आपको खास तौर से माँ लक्ष्मी के दर्शन करने चाहिए शुक्रवार के दिन। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। कहीं ना कहीं पैसा रुपया बढ़ने जा रहा है, तरक्की के संकेत मिल रहे हैं, कैरियर बेहतर होगा, अपोजिट सेक्स का साथ मिलेगा, फीमेल्स का खूब सपोर्ट मिलेगा, कैरियर में तरक्की होगी, घर गाड़ी बंगले के खरीदने के योग हैं, अपनी वाणी की वजह से लोगों को अपना दीवाना बनाएंगे। खास तौर से उपाय की बात करें, शंकर जी का उपासना करिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आपके लग्न में होगा कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, बिजनेस अच्छा होगा, अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, हर तरफ पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेम का सबका साथ मिलेगा, नौकरी व्यवसाय में भी लोगों का खूब साथ सहयोग मिलेगा। धन के मामलों में ओवरऑल बहुत भाग्यशाली रहेंगे आप। उपाय, आपको खास तौर से माँ लक्ष्मी को पीले रंग का या सफेद या फिर लाल कलर का फूल चढ़ाना है शुक्रवार के दिन। अब बात कर लेते हैं धनुराशि वालों की। आपको थोड़े खर्चे पे कंट्रोल करना है भाई, उसी के साथ साथ विदेश यात्राओं में नुकसान ना हो उस पे कंट्रोल करना है, उसी के साथ साथ चोरी ना हो उस पे देखना है, पड़ोसियों से अनबन ना हो उस पर ध्यान रखना है, उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा मैटर की वजह से घर में कलह ना हो इसका ख्याल रखना है। उपाय जरूर बताएंगे। ओम कुबेराय नमः, ओम महालक्ष्मीपतये नमः, 12 बार पाठ करिए रोज, लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों, आपके खासतौर से 11वें भाव में गोचर है, बहुत लाभकारी है, पैसा रुपया खूब आएगा, जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से भी आएगा, अचानक धन प्राप्ति के योग है, पुराना कर्जा मिलने का योग है, उसी के साथ साथ कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी आपको आपके प्रोफेशन में, कैरियर में, धन में लाभ पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है, प्रेमी प्रेम का के संबंध बेहतर होंगे, जीवन साथी के मतभेद खत्म होंगे। अब बात करें उपाय की। उपाय के लिए आपको एक नारियल शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को या माँ दुर्गा को चढ़ाना है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। भाई कैरियर में खास तौर से आपके रहेंगे तो निश्चित तौर पर कैरियर को प्रभावशाली बनाएंगे। जो लोग फाइनेंस फील्ड से हैं, सीए रिलेटेड फील्ड से हैं, फैशन फील्ड से हैं, होटल इंडस्ट्री से हैं, ज्योतिष से हैं, मीडिया से हैं, ग्लैमर से हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, उन्हें भारी लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ घर गाड़ी बंगला खरीदने के संकेत नजर आ रहे हैं। पिता का खूब सहयोग मिलेगा, ओवरऑल समय भाग्यशाली रहेगा, लाभदायक रहेगा, कहीं कोई समस्या दिखती नहीं है। ओवरऑल आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उपाय, आपको एक बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित करना है, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों के खास तौर से कहीं ना कहीं भाग्य भावों में भाग्योदय का समय है, शुक्र आपको भारी लाभ देंगे, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे अधिकारी वर्ग हो, चाहे भाग्य के साथ हो, चाहे यात्रा का साथ हो, हर तरह से भाग्यशाली समय है, लाभ के संकेत मिल रहे हैं, धन खूब बढ़ेगा, माता पिता का खूब सहयोग मिलेगा, पति पत्नी का खूब सहयोग मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका का खूब सहयोग मिलेगा, बच्चे अच्छा करेंगे, उसी के साथ साथ कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी आपको लाभ पहुंचाएगा। उपाय, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप 12 बार शुक्रवार के दिन कर लीजिएगा। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।